हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर, जहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे यो-यो के साथ, कम ऑन, किसके साथ? यो-यो के साथ मचाते हैं। लास्ट के सेशन में हमने देखा था एक्सपोनेंशियल और कांस्टेंट का लाप्लास कैसे निकालते, पूरा डेरिवेशन के साथ बताया था। रट्टा नहीं मरवाऊंगा, चिंता मत करो। आज भी ट्रिग्नोमेट्रिक, सर्कुलर वाली और हाइपरबोलिक वाली सारी फॉर्मूलेज आपके सामने डिराइव करने वाले हैं, और उसके साथ साथ एंड तक बनाए रखिए, क्योंकि फॉर्मूला लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा, आपकी मोहब्बत वाली लाइक, जी हाँ, ठोक दो वो जो नीचे लाल वाला बटन है उसके ऊपर बैठ जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, मोहब्बत वाली लाइक हो जानी चाहिए, और प्यारी प्यारी अपनी कॉलेज वाली दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जनाब। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे आने वाली है कुछ एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल की सॉल्व वाली PDF, क्वेश्चन बैंक और ढेर सारा मटेरियल। शुरुआत करते हैं हमारे बिल्कुल भी प्यारे टॉपिक को, जिसका नाम है, हो, सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इसका बेसिक फॉर्मूला, मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ इसका बेसिक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है यार, कम ऑन, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या फॉर्मूला है बताइयो। दैट इज सिंपली नथिंग बट फाई ऑफ एस, मतलब टी को हम कन्वर्ट करते हैं एस के अंदर। क्या बोला, टी को हम कन्वर्ट करते हैं एस के अंदर। दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। समझ रहे हो मेरी बात को, e रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी माने फंक्शन, आज जो भी फंक्शन हमें चाहिए वो सारा का सारा यहाँ पे पुट करेंगे। वेदर इट कैन बी अ साइन, इट कैन बी अ कॉस, इट कैन बी अ शाइन, इट कैन बी अ कॉश। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरा सबसे पहले वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओ हो, है ना, लाप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो फंक्शन, है ना, लाप्लास ऑफ ट्रिगो फंक्शन। बड़ी ध्यान से, मोहब्बत से ये सारा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहला वाला फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एटी। अब मुझे बताइए, अगर मैं साइन ऑफ एटी लेता हूँ, ये ना बड़ी ध्यान से सुनना प्लीज, साइन ऑफ एटी लेता हूँ तो दैट साइन ऑफ एटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई रेस टू आई ए टी माइनस ई रेस टू माइनस ऑफ आई ए टी होल डिवाइडेड बाई 2i, है ना। सर कहाँ से आया? अरे अरे, पूछो पूछो कहाँ से आया पूछो, क्योंकि सबको पता है साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा होल डिवाइडेड बाई 2i होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस ऑफ आई थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 होता है। पेज के ऊपर वाले हिस्से में ये दोनों फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि इनके बिना हमारा डेरिवेशन नहीं होने वाला है। ठोक के लिखो, कम ऑन, ठोक के लिखो, तभी मजा आएगा। आ हा, सर सर सर, एक काम करते, एक तीर में दो निशान मारते मजा आ जाएगा। क्या बोला, एक तीर में दो निशान मारते हैं मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने दूसरा फंक्शन भी यहाँ पे लेना है एफ ऑफ टी, दैट इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए टी। तो आप लिख सकते हो ई रेस टू आई ए टी प्लस ई रेस टू माइनस ऑफ आई ए टी होल डिवाइडेड बाई 2। सिंपल भाषा में, कम ऑन एवरीबॉडी, सुनो रे सुनो, सिंपल भाषा में ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर अलग कलर से लिखो मजा आ जाएगा। चलो 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 चलो, मजा चाहते हो, ये लो, ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, बिल्कुल समझ रहे सर। तो देखिए 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 देखिए, तो कैन आई राइट डाउन, देयरफॉर ई रेस टू आई ए टी को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए टी प्लस आई साइन ऑफ ए टी। बिल्कुल भी बिल्कुल भी सर, क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों कर रहे हो बता दो। चलो मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं इस एफ ऑफ टी के जगह पे
साइन डालू तो देखो ई रेस टू इनटू साइन, ये अनस्टॉपेबल इंटीग्रेशन है। कौन सा वाला? अनस्टॉपेबल इंटीग्रेशन है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है, थोड़ी फॉर्मूले की आवश्यकता है। लेकिन मेरा गरीब से गरीब बच्चा अगर इसको सॉल्व करना चाहता है, तो इधर एक्सपोनेंशियल और इधर भी एक्सपोनेंशियल आ गया, तो बेस दोनों का सेम हो जाएगा और मैं लॉ ऑफ इंडाइसेस वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बस वही कहानी मैंने यहाँ पे बनानी है। एक काम करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, देयरफॉर एफ ऑफ टी ले लेते हैं। कंसीडर लिखना पड़ेगा बॉस, है ना, कंसीडर लिखना पड़ेगा। कंसीडर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू आई ए टी, देयरफॉर टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, होय होय होय, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो क्या बनेगा देखो। बड़ा मजेदार सा है, क्या बनेगा देखो। दोनों साइड पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होएगा? ओ हो, लाप्लास ऑफ ई रेस टू आई ए टी होएगा। मतलब मेरा फॉर्मूला कैसे बिहेव करेगा? इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू आई ए टी और यहाँ पे ए टी। जी हाँ सर, है ना, एफ ऑफ टी के जगह पे हमने क्या सब्सटीट्यूट किया? ई रेस टू आई ए टी को सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब एक और काम करते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू, चेक करो यार, चेक करो, माइनस टी को मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बना? एस माइनस आई ए बनेगा और यहाँ पे डी टी बनेगा, समझ रहे हो? माइनस टी को कॉमन निकाला तो इधर क्या बनेगा? एस और ये माइनस ऑफ आई ए। चलो इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं इसका। हाँ जी, चलो 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 इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे। ओ हो, यहाँ पे देखिए ई रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस टी ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव बनेगा यार, तो माइनस ऑफ एस माइनस आई ए बनेगा। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, समझ रहे हो, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ओ हो, चलो फिर कोई गल नहीं है, माइनस को बाहर निकाला, माइनस वन अपॉन एस माइनस आई ए बना, ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू जीरो बनेगा, है ना। देखो इन्फिनिटी डाला, किसके जगह पे डाला पूछो, किसके जगह पे डाला? इंटीग्रेशन किसके विथ रिस्पेक्ट टू किया? टी के विथ रिस्पेक्ट टू, तो लिमिट्स भी डालना चाहिए टी के जगह पे, तो लिमिट्स डाला मैंने टी के जगह पे, इधर डाला जीरो। कहानी वही, कम ऑन एवरीबॉडी, कहानी वही, सोच नहीं। चलो चलो चलो, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी टाइम डोमेन है तो माइनस में जाएगा नहीं, तो ये बना जीरो। ओ हो, माइनस वन अपॉन एस माइनस आई ए, यहाँ पे बनी जीरो, यहाँ पे बनी वन। क्या बात है यार, अमेज अमेज अमेज। देखो मैं हर एक स्टेप बहुत ही ज्यादा बारीकी से लिख रहा हूँ ताकि मेरा कोई बच्चा यहाँ पे पीछे ना पड़े। तो यहाँ पे एस माइनस आई ए बना, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस। कोई गल नहीं, क्या बात है। अच्छा एक बात हमने जरूर सुनी थी सर, कौन सी वाली? कौन सी वाली? कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओए होए होए, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आई नहीं चलता, ओए होए होए, आई नहीं चलता क्योंकि हम उसको सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर आपको सेपरेट कराना है तो मेरे डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए। तो कैसे हटाते हैं उस आई को? देयरफॉर यूजिंग रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन टेक अ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी क्या है आपका? ई रेस टू, हाँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू आई ए टी है ना यार, चलिए, विच इज नथिंग बट वन अपॉन एस माइनस आई ए गेट्स मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे एस प्लस आई ए होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे एस प्लस आई ए। कड़क कड़क, देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ई रेस टू आई ए टी के जगह पे क्या डालेंगे? कॉस ऑफ ए टी प्लस आई साइन ऑफ ए टी,
मैंने वादा किया है एक तीर में दो निशान मारेंगे। क्या वादा किया है? एक तीर में दो निशान मारने वाले हैं। देखो कैसे, तो ये एस प्लस आई ए एज इट इज यहाँ पे होएगा होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर। बोलो रे बोलो, कम ऑन एवरीबडी। ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। काम तमाम कर दो, सीन सेट कर दो, कम ऑन एवरीबडी, काम तमाम, सीन सेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एस प्लस आई ए होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस वन होता है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर। बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी टर्म हट गई जो मुझे नहीं चाहिए थी। सीन सेट करो, इसको सेपरेट करो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बात है! तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, बस अभी सेपरेट कर दो, सीन सेट हो जाएगा। ओए लाप्लास इनवर्स क्यों लिखा बे मैंने? यहाँ पे लाप्लास होनी चाहिए थी। ओ हो, मेरी गलती मेरी गलती, ये सब जगह पे लाप्लास होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ये सब जगह पे क्या होना चाहिए? लाप्लास होना चाहिए। एक ही बारी ऊपर भी चेक कर लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या? वो बस लाप्लास है यार, वो लाप्लास इनवर्स। हाँ यहाँ सही लिखा है मैंने, ये लाप्लास है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है जी। छोटी सी बातें बड़ी बड़ी शहरों में होती रहती हैं, कोई नहीं। ओए कहाँ गया बे? हाँ यहाँ पे है, ठीक है। टेर फोर, इसको सेपरेट कर दो। लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 ये बनेगा प्लस आई लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 80। लाप्लास को भी सेपरेट किया। टेर फोर, कंपेयरिंग कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, क्या बनेगा? चेक करो। टेर फोर, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 क्या बना? पटाक से लिख दो, क्या बना? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना। लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 क्या बना? बोलो बोलो बोलो, दैट इज, अच्छा कॉस हो गया, साइन 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 वाला क्या बना? क्या बना? साइन ऑफ 80 क्या बना? ऑब्वियसली ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी ध्यान से मोहब्बत से सुनिए। इधर एस है मतलब इसको बोलते हैं फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन। इधर ए है मतलब इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो एक बात दिमाग पे छपवानी है, इधर उधर इधर उधर टैटू नहीं, सीधा इधर छपवाने का इंजीनियर है हम लोग। कमॉन, कॉस आया तो ऊपर आता है फंक्शन, साइन आया तो ऊपर आता है कॉन्स्टेंट। कमॉन एक बार वापस, कॉस आया तो ऊपर आता है फंक्शन, साइन आया तो ऊपर आता है कॉन्स्टेंट। ये है एक्चुअल फॉर्मूलेस हमारे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के। अगर लगे हाथों तो थोड़े हाइपरबोलिक भी बता दो, जरूर बताएंगे। चलिए जरूर बताएंगे, फटाक से लिख दीजिए, फटाक से लिख दीजिए। मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला लाप्लास ऑफ कॉश ऑफ 80, कॉश ऑफ 80 कैसे लिखेंगे? कॉश को, कॉश को लिखते हैं ई रेस टू 80 प्लस ई रेस टू माइनस ऑफ 80 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलते हैं कॉश, है ना, इसको बोलते हैं कॉश। ये बेसिक फॉर्मूला यार, हमने पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो दैट इज 1/2 को बाहर निकाला, बचा क्या? लाप्लास ऑफ ई रेस टू 80, ठीक है, प्लस लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ 80। बेसिक फॉर्मूले फटाफट से यहाँ पे अप्लाई कर दो। लाप्लास ऑफ ई रेस टू 80 क्या है? 1/s - a। ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में हमने इसको सीख लिया है, तो प्लीज इसको ध्यान से लिखना, प्लस 1/s + a। मैंने बताया था कि इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, खत्म करो बात को। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई एस प्लस ए प्लस दिस इनटू दिस विल गिव यू एस माइनस ए होल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इनटू एस प्लस ए। चलिए डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करिए, जस्ट ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर। आपको मिल रहा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। एवरीबडी, पूरा जोश जुनून चाहिए। ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। लगा दो रे, लगा दो, काम पे लगा दो। एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, खत्म करो बात को। यहाँ पे 1/2, सोच नहीं, सोच बिल्कुल भी नहीं, इसको और इसको कैंसिल कर दिया। बचा मेरे पास यहाँ पे 2s अपॉन
स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टू टू कट चुका है तो यहाँ पे बचा एस अपॉन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयर फोर लगे हाथों लिख दो लाप्लास ऑफ कॉश ऑफ ए टी क्या होता है, चलो चलो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के लिए यहाँ पे प्लस होता है, हाइपरबोलिक के लिए डिनोमिनेटर में माइनस होता है। इसी तरह आप कैलकुलेट करोगे साइन ऑफ ए टी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए टी का फॉर्मूला सेम सिनारियो, बस यहाँ पे बीच में माइनस, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, एस एस कट जाएगा, ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, टू टू कट जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हवा में मजाक मजाक में फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया है। चलो फिर फॉर्मूला लिस्ट बनाते हैं हमारे लाप्लास की, बड़ी प्यारी वाली फॉर्मूले लिस्ट, फॉर्मूले लिस्ट बनाते हमारे लाप्लास की। चलिए चलिए चलिए, पहला वाला लाप्लास ऑफ वन क्या होता है, अरे ये तो हम हाफ चड्डी पहनते थे तभी से सीख लिया है। लाप्लास ऑफ ई रेस टू एटी क्या होता है, ई रेस टू एटी कड़क वाला, दैट इज वन अपॉन एस माइनस ए, क्या बात है। लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ एटी क्या होता है, दैट इज वन अपॉन एस प्लस ए, क्या बात है। लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी क्या होता है, अब भी तो डिराइव किया यार, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट वन लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी क्या होता है, वो भी अभी डिराइव किया, याद रखो एक तीर में दो निशान मारे थे, कॉस के लिए ऊपर आता है फंक्शन, साइन के लिए ऊपर आता है कॉन्स्टेंट, कम ऑन, कॉस के लिए ऊपर आता है फंक्शन, साइन के लिए ऊपर आता है कॉन्स्टेंट, तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट वन लाप्लास ऑफ कॉश ऑफ ए टी क्या बनेगा, सिंपल वाली कहानी है, एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड द फाइनल वन लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी क्या बनेगा, दैट्स एज सिंपल एज दैट, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है, मैंने एक्सपोनेंशियल बताया, मैंने कॉन्स्टेंट बताया, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री, बचता है एक छोटी वाली हरकत जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। टी रेस टू एन का लाप्लास कैसे ढूंढना है उसका भी डेरिवेशन बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपने चैनल को आपके प्यार की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, फटाफट से सब्सक्राइब कराइए एंड लाइक करके शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।